Hello students, today we will start with chapter 11 of biology, that is biotechnology, principles and processes. Biotechnology ka jo unit hai, it carries a weightage of 10 marks and I feel this chapter is very important and very easy as well क्योंकि ये 10 marks के लिए सिर्फ आपको दो chapters पढ़ने हैं और अगर अच्छे से पढ़ोगे है ना उसको तरीके से पढ़ेंगे तो we'll easily score these 10 marks now starting with the word biotechnology bio refers to biology along with the technological advancement जब हमने biology में जो हमने living science है ना उसको technology के साथ या technology के help से update किया तो हमारे इतने सारे streams आए that is chemicals हमें understanding मिलेगी कौन सा chemical किस particular चीज़ के लिए तो हमारा medicinal field आया तो बायोटेक्नोलॉजी में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग देखेंगे है ना इस चैप्टर में वी विल बी डीलिंग विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ना तो पहला जो बायोटेक्नोलॉजी वर्ड है ना द वर्ड वाज यूज्ड बाय कार्ल अर्की ही वाज द फर्स्ट टू यूज द वर्ड बायोटेक्नोलॉजी Now, the next is principles of biotechnology. Agla word to yahi hai. Principles of biotechnology. Principles of biotechnology. There are two basic principles of biotechnology. Very simple principles. Pehla hai genetic engineering. The first basic principle is what? Genetic engineering and the second principle is to maintain sterile ambience प्रिंसिपल्स में हमने देखा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में आरडीएनए टेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आरडीएनए टेक्नोलॉजी हमें पढ़ना है टू मेंटेन अ स्टेराइल एम्बियंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो स्टेराइल है ना फ्री फ्रॉम माइक्रोबियल कंटेमिनेशन द अदर वर्ड यूज कैन बी फ्री from microbial contamination किसी भी तरह का microbial contamination नहीं होना चाहिए तभी हम biotechnology के core principles में इसको पढ़ते हैं है ना पहला है genetic engineering मतलब recombinant DNA technology बनाना पहला principle दूसरा जहाँ भी हम काम कर रहे हैं द लेबोरेटरी शुड बी फ्री फ्रॉम एनी माइक्रोबियल कंटेमिनेशन नहीं तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है जो प्रोसीजर है अगर उसमें माइक्रोबियल कंटेमिनेशन होगा तो वी वोंट गेट अ सक्सेसफुल रिजल्ट इसीलिए दीज टू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स व्हेन वी स्टडी बायोटेक्नोलॉजी ठीक है नाउ जेनेटिक इंजीनियरिंग का अगर हम देखें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली किसी जैसे एबिलिटी टू आइसोलेट है ना मॉडिफाई करना जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट मॉडिफाई और उसके केमिकल नेचर को स्टडी करना है और उसका क्या काम है ये पता करने के बाद हम इसको किसी और ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ठीक है टू ऑब्टेन दैट कैरेक्टर पर्टिकुलर कैरेक्टर इन दी अदर ऑर्गेनिज्म एज वेल तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द एबिलिटी टू आइसोलेट मॉडिफाई द केमिकल नेचर ऑफ
genetic material and their introduction into the other organism for the same phenotypic character. अब इसी को हमने क्या बोला है यहाँ, recombinant DNA technology. मतलब DNA है but किसी और चीज से लिया गया DNA है. क्लियर. स्टेरिलाइजेशन आपको मैं बता चुकी हूं, फ्री फ्रॉम माइक्रोबियल कंटेमिनेशन. जब हम किसी चीज को कल्चर कर रहे हैं, है ना, किसी चीज को बना रहे हैं, तो द एम्बियंस जो एरिया है इट शुड बी टोटली फ्री फ्रॉम द माइक्रोबियल कंटेमिनेशन. नाउ अगर हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला है ना, द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीटेड, तो अगला हेडिंग है प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. तो अगर हम प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो सबसे पहला टॉपिक जो हम देखेंगे वो है कि फर्स्ट आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फर्स्ट आर डीएनए मॉलिक्यूल. अभी किसने बनाया था, तो द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल वॉज बाय स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर. अब जो वर्ड्स हैं ना उनको समझना. स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने सैल्मोनेला टाइफी म्यूरियम, एक बैक्टीरिया है सैल्मोनेला टाइफी म्यूरियम, नेम ऑफ अ बैक्टीरिया, ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी म्यूरियम के प्लाज्मिड में से एक ऐसा जीन आइसोलेट कर लिया जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस था. ठीक है, तो हर्बर्ट बॉयर और स्टैनली कोहेन ने दे आइसोलेटेड अ पर्टिकुलर जीन विच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. कहां से किया, सैल्मोनेला टाइफी म्यूरियम के प्लाज्मिड से. कुछ एंजाइम्स की हेल्प भी ली उन्होंने, और उन्होंने क्या किया, सैल्मोनेला टाइफी म्यूरियम के प्लाज्मिड से इस जीन को निकाल लिया. ठीक है, तो वी से दैट दे आइसोलेटेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन फ्रॉम सैल्मोनेला टाइफी म्यूरियम. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. ऑब्वियसली इट विल नॉट टेक प्लेस विदाउट द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. कैसे निकाला, तो उसमें कुछ एंजाइम्स लगे. अब ये जो कुछ एंजाइम्स हम बोल रहे हैं इसको डिटेल में हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, अब इस एंजाइम ने हेल्प तो कर लिया, आगे क्या हुआ, ये है 1972. फाइन, सो उन्होंने ये किया. नाउ व्हाट, ये जो आइसोलेटेड जीन फ्रैगमेंट था है ना, इसको उन्होंने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट या हम बोल सकते हैं ऐड किया टू अनदर प्लाज्मिड. ठीक है, कहां ऐड किया, द आइसोलेटेड फ्रैगमेंट वॉज एडेड, आइसोलेटेड जीन को इंटीग्रेट किया करवाया टू प्लाज्मिड ऑफ अ वेक्टर. Which acted as a vector.
आइसोलेटेड जीन फ्रैगमेंट, जो ऊपर से हमें जीन फ्रैगमेंट मिला, उसको इंटीग्रेट कराया गया, उसको ऐड कराया गया टू अ प्लाज्मिड डीएनए, जिसका काम था टू एक्ट एज अ वेक्टर, वेक्टर अ कैरियर, जो इस डीएनए को दूसरे ऑर्गेनिज्म तक ले जाएगा. ठीक है, नाउ दिस हैज बिकम अ सिंगल यूनिट. अब ये सिंगल यूनिट में ये जो सर्कुलर डीएनए नया बना है, इसको हम बोलेंगे द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इट विल बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ऑर्गेनिज्म. विच ऑर्गेनिज्म? फॉर से इकोलाई. यहां पर उन्होंने किसको यूज किया? इकोलाई. तो ये पूरा स्ट्रक्चर आइसोलेटेड डीएनए फ्रैगमेंट को प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया है ना, फॉर्म्ड अ सर्कुलर. प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं तो अ सर्कुलर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना. ठीक है, इसी को उन्होंने क्या बोल दिया, दिस इज नोन एज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस हुआ इकोलाई में. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू इकोलाई. अब इकोलाई में जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इट कुड रेप्लिकेट इन द इकोलाई. And provided a new character, जिस character के लिए हमने ये DNA बनाया था, the character of what? Antibiotic resistance. To E. coli. क्लियर हो गया है ना. ये जो है ये मल्टीप्लाई करते हैं, दे प्रोड्यूस देयर ओन कॉपीज. इसको हम अदर वर्ड्स में क्लोनिंग भी बोलते हैं. ये जो रेप्लिकेशन हमने लिखा है, बाय मल्टीप्लाइंग एंड क्रिएटिंग देयर ओन कॉपी, इज आल्सो नोन एज क्लोनिंग. सो व्हाट हैपेंड हियर इज, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना, स्टैनले और कोहेन ने, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर, ठीक है, इन्होंने दे आइसोलेटेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन फ्रॉम सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम. ये सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड से इन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन निकाल लिया. ये जीन को इन्होंने किसके साथ डाल दिया, प्लाज्मिड डीएनए के साथ इंटीग्रेट करा दिया, जोड़ दिया है ना, और एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया. अब ये प्लाज्मिड डीएनए क्या है, ये सिर्फ वेक्टर है. वेक्टर मतलब इसका काम है, ये जीन यहां हमने यहां से यहां डायरेक्ट नहीं डाल सकते थे, तो क्या किया हमने, एक कैरियर तैयार किया. ठीक है, अब ये कैरियर ने क्या किया, ये गया और ई कोलाई में, द प्लाज्मिड एंटर्ड द सेल ऑफ ई कोलाई. ई कोलाई में इसने अपने आप को मल्टीप्लेट किया, मल्टीप्लाई किया, रेप्लीकेट किया, एंड इट प्रोवाइडेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू इकोलाई. मतलब ये कैरेक्टर यहां से यहां, दिस इज जस्ट लाइक अ पोस्ट ऑफिस. हमें एक चीज भेजना था, अब हम खुद जाके नहीं दे सकते तो हमने उसको पोस्ट कर दिया, तो ये पोस्ट ऑफिस हो गया हमारा वेक्टर, है ना. और वो चीज उस वेक्टर ने कहां तक पहुंचा दी, जहां पहुंचाना था. तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो यहां था, किसके पास, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ये वो बैक्टीरिया है जो टाइफॉइड कॉज करता है, वहां से हम उसको लेके किस बैक्टीरिया तक ले आए, इकोलाई तक, है ना. इकोलाई में हमने उसको यूज कर लिया और इकोलाई को क्या दे दिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. सो दिस इज द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म्ड, है ना. अब इसमें कुछ चीजें आपको समझ नहीं आई होगी, तो वो हम समझेंगे जब हम बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, है ना. तो कोई भी प्रोसेस अगर हम देखें तो इट इन्वॉल्व सर्टेन बेसिक स्टेप्स. तो हम इसके कुछ बेसिक स्टेप्स देखेंगे. ठीक है, सबसे पहले इफ वी सी द फर्स्ट बेसिक स्टेप इज, हमें एक डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट चाहिए. प्लीज अंडरस्टैंड दीज स्टेप्स प्रॉपरली सो दैट आपको पूरा चैप्टर समझ आए. ठीक है, मतलब
फॉर से अगर हमें अपना हेयर कलर करना है तो पहले तो हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कौन सा कलर चाहिए, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, पर्पल, पिंक, वॉट एवर इट इज. तो हमें पहले एक डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट चाहिए कि उस पर्टिकुलर वो कैरेक्टर कौन सा है जो हमें चाहिए, तो वो डीएनए सेगमेंट चाहिए. ठीक है, अब ये डीएनए सेगमेंट के आने से कुछ नहीं होगा. डीएनए सेगमेंट हमारे पास है, पर हमको उसको क्या करना पड़ेगा, पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा फ्रैगमेंट वो कैरेक्टर प्रोसेस, कौन सा जीन फ्रैगमेंट वो कैरेक्टर प्रोसेस करता है. और दूसरा काम इस डीएनए फ्रैगमेंट से ये है कि हमें उसको आइसोलेट करना पड़ेगा. आइसोलेट मतलब उस सेल के अंदर से इस डीएनए फ्रैगमेंट को निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो बेसिक स्टेप जो प्रोसेसेस हम पढ़ेंगे तो हमको सबसे पहले तो यही पढ़ना है. ठीक है, अब सेकंड क्या पढ़ेंगे हम, तो द सेकंड थिंग, हमने जो डीएनए चाहिए उसको आइडेंटिफाई कर लिया है और उसको आइसोलेट भी कर लिया है. ठीक है, अब इस आइसोलेटेड डीएनए फ्रैगमेंट को हम किसी के साथ, वेक्टर के साथ जोड़ेंगे और वेक्टर उसको क्या कर देगा, वो इंट्रोड्यूस करेगा इस डीएनए फ्रैगमेंट को होस्ट में. इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट इनटू द होस्ट. इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट इनटू द होस्ट. थर्ड, अब इसको होस्ट पे इंट्रोड्यूस तो कर दिया, अब दो चीजें, या तो वो डेवलप करेगा या वो मर जाएगा. तो हमें इसके बाद ये भी देखना है कि जो होस्ट में आपने डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट डाला है उसका मेंटेनेंस हो, मेंटेनेंस ऑफ ग्रोथ एंड अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस. ठीक है, अब ये तो हो गया, लास्ट क्या है, चलो मेंटेन भी हो गया. जैसे हमने यहां पढ़ा ईकोलाई में नया कैरेक्टर आ गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन. बट अगर हम यही चीज, हमको 100 चाहिए और 100 के लिए हमको ये पूरा फिर से करना पड़े तो इट इज डिफिकल्ट. तो वी नीड टू ऑल्सो एंश्योर दैट कि जो कैरेक्टर हमने डाला है वो कैरेक्टर उसके आगे जब वो खुद डिवाइड होगा तो वो कैरेक्टर उसके प्रोजेनी में भी अपने आप ही जाना चाहिए. अदरवाइज हमारी ये जो मेहनत है ना, ये हमको फिर करनी, जितने चाहिए आपको उतनी करनी पड़ेगी. तो आर डीएनए टेक्नोलॉजी बार बार हम नहीं कर सकते. वी नीड दीज फोर थिंग्स टू बी एंश्योर्ड, द बेसिक स्टेप्स, डिजायर डीएनए सेगमेंट का आइडेंटिफिकेशन, पहले उसको आइडेंटिफाई करना, उसको आइसोलेट करना कि ये सेगमेंट है जो हमें वेक्टर में डालना है, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट इनटू द होस्ट, है ना, ये जो डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट है उसको होस्ट में इंट्रोड्यूस करवाना, मेंटेनेंस ऑफ ग्रोथ एंड अदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, है ना, ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है होस्ट की डिजायर्ड डीएनए को इंट्रोड्यूस करने के बाद, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. और ये भी जरूरी है कि ग्रोथ होने के बाद ये जो डीएनए सेगमेंट है ये आगे की प्रोजेनी में ट्रांसफर हो. अगर ट्रांसफर नहीं हुआ तो हमारा ये जो स्टेप है इट इज नॉट ऑफ दैट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, अब उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो खत्म हो जाएगी क्योंकि हमको हर प्रोजेनी के लिए वापस यही सारे प्रोसेसेस करने पड़ेंगे. अब ये सारा काम है, अगर काम है तो वी रिक्वायर सर्टन टूल्स, तो वी विल ऑल्सो स्टडी टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा कि अगर हमें आरडीएनए बनाना है तो हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए. ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले देखें तो आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन और आइसोलेशन, ये जो डिजायर्ड सेगमेंट है इसको होस्ट तक आने के बीच में एक वेक्टर भी लगता है जो हमने साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम के केस में पढ़ा.
ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो है आइडेंटिफाई, आइसोलेट, काटने और जोड़ने के लिए अगर हम देखें तो एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट, ठीक है, किसकी रिक्वायरमेंट है, एंजाइम्स की। दूसरा अगर हम देखें तो डिजायर्ड सेगमेंट को पहुंचाने के लिए वी रिक्वायर क्लोनिंग वेक्टर्स, है ना। और तीसरी चीज, ये एंजाइम्स भी है, क्लोनिंग वेक्टर्स भी है, तो और क्या चाहिए, वी रिक्वायर अ कंपीटेंट होस्ट, वी रिक्वायर अ कंपीटेंट होस्ट, एक ऐसा होस्ट जो इसको एक्सेप्ट करे। क्लियर हो गया। अब जो पहला चीज, पहली चीज हम स्टार्ट करेंगे वो होगा एंजाइम्स। नाउ व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स आर यूजुअली रेफर्ड टू एज बायो कैटलिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ लिविंग सेल एंड दे आर नोन टू इंक्रीज डिक्रीज अ रेट ऑफ कैटलिस्ट, इंक्रीज और डिक्रीज अ रेट ऑफ रिएक्शन। तो एंजाइम्स आर सब्सटेंसेस दैट हेल्प इन पर्टिकुलरली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अ रेट ऑफ रिएक्शन और इट्स ऑकरेंस एज वेल। अब इसमें कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व है ना। सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि वॉट आर द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी में नॉर्मल एंजाइम्स पहले हम देखें तो पहला एंजाइम दैट इज इन्वॉल्व इज लाइसिस। हम, मैंने बोला वील स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट थिंग। अगर हम एक सेल वॉल, सेल को देखें, है ना, ये एक सेल है विद अ न्यूक्लियस, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंडिंग दिस, सेल विल कंटेन अ सेल वॉल और अ सेल मेम्ब्रेन। ये नॉर्मल सी बात है कि इस सेल का सेल मेम्ब्रेन होगा या सेल वॉल होगा। तो लाइसिस आर द एंजाइम्स दैट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन द सेल वॉल और द सेल मेम्ब्रेन, है ना। लाइसिस ऐसे ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं दैट विल हेल्प इन, ग्रुप ऑफ एंजाइम्स दे आर ग्रुप ऑफ एंजाइम्स दैट विल हेल्प इन डिजॉल्विंग द सेल वॉल और आउटर मेम्ब्रेन्स, सेल मेम्ब्रेन्स। अब देखो एंजाइम्स के जितने भी नाम आप पढ़ोगे, है ना, आप प्रॉपरली उनको ऐसे ही पढ़ोगे जिसमें पीछे आपको क्या दिख रहे हैं, एसेस। तो फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन तो क्या चाहिए आपको, प्रोटीएसेस। फॉर डाइजेस्टिंग, जैसे सेल वॉल अगर हम देखें तो इफ इट इज अ प्लांट सेल वी रिक्वायर व्हाट, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस, तो वी रिक्वायर व्हाट, सेल्यूलेज। तो वैसे ही यहां हम बैक्टीरियल सेल की बात कर रहे हैं तो वी रिक्वायर लाइसोजाइम्स, किसकी जरूरत है, लाइसोजाइम्स फॉर डाइजेस्टिंग अ बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है। ये आपने नाइन्थ क्लास में पहले भी पढ़ रखा है, फंगल सेल वॉल चिटिन से बना है, तो इट रिक्वायर्स चिटिन, प्रोटीन, प्रोटीएसेस। क्लियर हो गया। लिपिड्स तो लाइपेसेस, दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन, तो इनका ब्रेकडाउन हमें करना है तो लाइसिस की जरूरत रहेगी। तो ये पहला एंजाइम हो गया। नाउ द सेकेंड एंजाइम इज सिंथेटेसिस। एज द नेम सजेस्ट, सिंथेटेसिस
The word refers to synthesis. So these are group of enzymes that helps in the synthesis of complementary strands. जहां जहां पर भी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स की जरूरत होगी उसको सिंथेसाइज करने में किसकी हेल्प लगेगी? सिंथेटिसिस में. अब डीएनए की अगर हम बात करें तो इन एंजाइम्स में कौन कौन आता है ना? जैसे डीएनए है तो डीएनए सिंथेटेस एग्जांपल अगर हम देखें तो डीएनए सिंथेटेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, क्लियर हो गया. नाउ द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ एंजाइम इज डीएनए लाइगेज. Now, what is a DNA ligase? DNA ligase का काम है, ligase मतलब it acts as a fevicol, है ना? Ligase it acts as a fevicol. इसका काम है broken, जैसे कुछ broken DNA segments हैं तो उनको join करना, ठीक है? Complementary strands of DNA हैं तो उनको join करना, ठीक है? तो it basically इसका काम क्या है? Joins the broken और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. ठीक है, तो एक का काम था लाइसिस का काम था तोड़ना, सिंथेटेसिस का काम था सिंथेसिस करना. Unfortunately, a part of video could not be recorded, so you'll have to understand it by the written notes only right now. And we stopped, I think, in on DNA ligases. DNA ligases की अगर हम बात करें तो they join the complementary strands of DNA. है ना, तो अभी हमने तीन properly पढ़े हैं, that is lyases जो break down करते हैं, synthetases जो जोड़ते हैं, and DNA ligases जिनका काम है कि जो ब्रोकन पार्ट्स है उनको ज्वाइन करना. एज आई टोल्ड यू दैट इट इज अ काइंड ऑफ फेविकॉल. ठीक है, अगला जो हम पढ़ रहे हैं वो है न्यूक्लियेजेस. तो न्यूक्लियेजेस की अगर हम बात करें तो दे आर अ लार्जर ग्रुप ऑफ एंजाइम्स जिसके अंदर दो चीजें आती है, एक्सो न्यूक्लियेसिस एंड एंडो न्यूक्लियेसिस. न्यूक्लियेसिस अ ब्रॉड ग्रुप ऑफ एंजाइम है जो बेसिकली डीएनए आरएनए पे एक्ट करते हैं और इनको दो में डिवाइड किया है, एक्सो यानी बाहर, एंडो यानी अंदर. ठीक है, ये दो वर्ड को ऐसे याद कर लो. एक्सो का मतलब बाहर, मतलब ये टर्मिनल एंड्स के डीएनए, अगर हम ये देखो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लें तो ये सिर्फ कॉर्नर के फ्रैगमेंट्स को कट करता है. कॉर्नर के फ्रैगमेंट्स का मतलब है कि टर्मिनल एंड में जो डीएनए फ्रैगमेंट है ये सिर्फ उनको कट करता है. ठीक है, अब इसमें आपने देखा कि डीएनए फ्रैगमेंट डबल स्ट्रैंडेड है बट मैंने सिर्फ ये वाला हाईलाइट किया है. दैट मींस कि ये दो स्ट्रैंड में से सिर्फ एक स्ट्रैंड के कॉर्नर को कट करेगा और दे डू नॉट एक्ट ऑन आरएनए, ये आरएनए के लिए काम नहीं आ सकता. ठीक है, ऐसे ही एंडोन्यूक्लियेसिस की अगर हम बात करें तो ये आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिख रहा है और ये एक स्पेसिफिक पॉइंट पे उसको काटेगा, है ना? मतलब उसका सीक्वेंस देख के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों स्ट्रैंड्स को काटेगा. सो दे क्लीव्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट एंड दे एक्ट ऑन बोथ द स्ट्रैंड्स. और अगर हम देखें तो कुछ एंडोन्यूक्लियेसिस जो है दे मे ऑल्सो एक्ट अपॉन द आरएनए. क्लियर हो गया, तो हमें न्यूक्लियेसिस बहुत ब्रॉड है, उसमें से सिर्फ एंडोन्यूक्लियेसिस और एंडोन्यूक्लियेसिस में भी हम डील करेंगे ओनली ऑन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस विच इज ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर. ठीक है, अब ये हुआ, मतलब ये डिस्कवरी को अगर हम देखें तो स्टीवर्ड लिम और वर्नर आर्बर इन 1963
है ना, इन्होंने क्या किया, दे आइसोलेटेड टू एंजाइम्स फ्रॉम ई कोला. ई कोला एक बैक्टीरिया है जिसमें से उन्होंने ये दो एंजाइम आइसोलेट किए, है ना. और इनका काम क्या था, इनका काम था कि बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, उस बैक्टीरियोफेज को वो ई कोलाई में मतलब अपने सेल में ग्रो करने नहीं देते थे, है ना, वो उसकी ग्रोथ को रोक लेते थे. तो ये जो दो एंजाइम्स थे जो ई कोलाई प्रोड्यूस करता था, इन दोनों ने, स्टीवर्ड लेन और वर्नर आबर ने इस दो एंजाइम को आइसोलेट करा और वो समझ गए कि ये जो दो एंजाइम है ये ई कोलाई का डिफेंस मैकेनिज्म है और उन्होंने इस डिफेंस मैकेनिज्म को नाम दिया रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम. ठीक है, अब उन्होंने देखा कि ये दो एंजाइम का जो कंपोनेंट स्ट्रक्चर है, पहला कंपोनेंट क्या करता है, वो मिथाइल ग्रुप ऐड करता है टू द क्रोमोसोमल डीएनए, है ना. जैसे हम किसी स्पोर्ट्स में जाते हैं तो हम एक यूनिफॉर्म पहनते हैं, है ना, सब ब्लू ब्लू कलर वाले अपनी टीम के हैं भैया, जो ऑरेंज वाले हैं वो ओपोनेंट्स हैं. ठीक है, इन द सेम वे यहां पर इस एंजाइम को ये समझना जरूरी है कि अपने सेल का डीएनए कौन सा है और बाहर से आया हुआ डीएनए कौन सा है. तो पहले कंपोनेंट का काम सिर्फ ये है, मान लो ये बैक्टीरियल डीएनए है तो ये लाल वाले मार्कर लगाना, मिथाइल ग्रुप लगाना, ये पता चल जाए कि भाई ये अपना डीएनए, इसको नहीं तोड़ना है. ठीक है, तो जो सेकेंड कंपोनेंट है उसका काम है आइडेंटिफाई करना कि फॉरेन डीएनए कौन सा है, बाहर से आया हुआ डीएनए कौन सा है, और वो उस पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट को क्या कर देगा, तोड़ देगा. क्लियर हो गया. तो यहां दो कंपोनेंट्स की बात हो रही है कि इनका मॉडिफिकेशन सिस्टम, इसका जो डिफेंस सिस्टम है वो कैसे काम करता है, दो तरीके से. एक का काम है सिर्फ मिथाइल ग्रुप अटैच करना, किस पे अटैच करना, ई कोलाई के क्रोमोसोमल डीएनए में, मतलब बैक्टीरिया के डीएनए में मिथाइल ग्रुप अटैच करना. दूसरे का काम है कि भाई मिथाइल ग्रुप अटैच है इसको छोड़ो, जो बाहर से आया है फॉरेन डीएनए उसको ढूंढो और उसको क्या करो, डिग्रेड करो, तोड़ दो. क्लियर हो गया. अब ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है इससे उनको समझ आया कि डिग्रेड करना मतलब एंजाइम काटना, या सॉरी डीएनए फ्रैगमेंट को काटने के लिए कुछ एंजाइम्स बने हैं. तो पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस, है ना, द फर्स्ट एंजाइम वाज आइसोलेटेड बाय विलकॉक्स एंड केली. सबसे पहला एंजाइम लिया था विलकॉक्स और केली ने इन 1968. बी पर्टिकुलर अबाउट द ईयर्स एंड द साइंटिस्ट, है ना, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है. और उन्होंने उसका नाम दिया हिंड टू, है ना, रोमन टू. उन्होंने उसका नाम क्या दिया, हिंड टू. अब ये जो नाम है, नामकरण है, उसका कुछ ना कुछ तो रूल्स है. जैसे हमने प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम के लिए बाइनोमियल नॉमनक्लेचर पढ़ा, नॉमनक्लेचर यानी नेमिंग, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस के लिए भी देर आर सर्टन रूल्स फॉर नेमिंग्स. ठीक है, तो नॉमनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं. नॉमनक्लेचर में क्या रूल्स हैं तो वो हम देख लेते हैं. ठीक है, नॉमनक्लेचर का पहला रूल, फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस इज टेकन एज द फर्स्ट लेटर ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. अगर हम एंजाइम, जिसको हमने क्या बोला, एज अ बायो कैटलिस्ट, अगर हम एंजाइम की बात कर रहे हैं तो एंजाइम किसी ना किसी बैक्टीरिया से निकला होगा, तो वो बैक्टीरिया का जो नाम है ना, वॉट एवर द नेम इज, है ना, यहाँ एग्जाम्पल हम लेके देख लेते हैं. एग्जाम्पल ले रहे हैं हम हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा. जो विलकॉक्स और केली ने ढूंढा था. ठीक है, तो हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम नॉमनक्लेचर समझने के लिए. तो हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, देखो अंडरलाइन करना है, साइंटिफिक नेम है. तो हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा का फर्स्ट लेटर है एच. ठीक है, तो रूल नंबर वन के हिसाब से हमने फर्स्ट लेटर लिया एच. ठीक है, रूल नंबर टू कहता है द सेकेंड लेटर एंड द थर्ड लेटर विल बी द फर्स्ट टू लेटर ऑफ द स्पीशीज. तो ये जो फर्स्ट दो लेटर है स्पीशीज का, वो हमने ले लिया अकॉर्डिंग टू द सेकेंड रूल, दैट इज आई एंड एन. ठीक है, और लास्ट है स्ट्रेन. तो हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा का स्ट्रेन है डी,
ठीक है, तो लास्ट लेटर हमने लिया क्या, स्ट्रेन। स्ट्रेन का नाम है क्या, डी। अब रूल में लिखा है कि पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, दूसरा लेटर रनिंग, तीसरा लेटर रनिंग। इटैलिक्स में मुझे लिखना नहीं आता, पर जहां भी आपको बुक में मिलेगा ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इटैलिक्स में लिखा हुआ मिलेगा। और इसके साथ नंबर टू का मतलब है इट इज बेस्ड ऑन द नंबर और ऑर्डर ऑफ इन्वेंशन। पहला डिस्कवर हुआ तो वन, दूसरा डिस्कवर हुआ तो टू, फिर डिस्कवर हुआ थ्री। ठीक है, तो इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, कि सबसे पहले किसने क्या डिस्कवर किया उस बेसिस पे। क्लियर है? तो दिस इज द एग्जाम्पल दैट शोज द नंबर ऑफ द नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब इसके आगे हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, है ना, एंड वी विल स्टार्ट ऑफ विद द वर्किंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे वर्क करते हैं, है ना, एंड द अदर टूल्स रिक्वायर्ड इन रेस्ट्रिक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी।